बुलंदशहर शिकारपुर कस्बे में एसडीएम दीपक कुमार पाल तथा सीओ एवं आबकारी विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से अचानक की छापेमारी। छापेमारी के दौरान एसडीएम ने शराब बोतलों को स्कैन कर किया चेक। एसडीएम ने बताया है कि शराब के ठेकों पर रेट लिस्ट और शराब ठेका संचालक भी मौके पर नहीं मिला है। ठेका संचालक की लापरवाही मिलने पर जुर्माना भी लगाया गया है। ओवर रेट शराब बिक्री की शिकायत मिली होगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम की छापेमारी कार्यवाही से शराब की दुकानों पर मची खलबली। एसडीएम ने कहा कि आगामी त्योहारों को लेकर यह अभियान चलाया गया है और आगे भी यूं ही जारी रहेगा। सर, देर रात आपने शिकारपुर में शराब के ठेकों पर निरीक्षण किया है, क्या खामियां पाई गई हैं और कितने ठेकों का निरीक्षण किया और किस तरह के निर्देश दिए गए? देखिए, कल जो है हम लोगों ने ज्वाइंटली एक्साइज इंस्पेक्टर साथ में थे और सीओ साहब भी थे शिकारपुर के, हम लोगों ने जाँच की कुछ दुकानों पर और खामियां मोस्टली इन सब में ये थी कि ये लोग रेट लिस्ट डिस्प्ले नहीं करते हैं, जिसकी शिकायतें हमें आती हैं कि ओवर प्राइसिंग चार्ज कर रहे हैं। तो इनसे सबसे पहले तो इनको जुर्माना लगाया गया रेट लिस्ट का, कि रेट लिस्ट लगाइए आप सब क्लियरली, जो कि क्लियरली दिखनी चाहिए कितने प्रतिशत वाली कितने किस चीज़ की है। उसके साथ साथ इनका स्टॉक रजिस्टर सत्यापन किया गया और इनके साथ जो कुछ जगहों पर खामी ये दिखी है कि लाइसेंस इनके पास है लेकिन मौके पर नहीं मिला इनका, तो उसके लिए भी इनके इनसे फाइन वसूला गया है। और कई बार देखा जाता है ये वाली चीज़ कि जो दुकान होती है उस पर जो अधिकृत सेलर होता है, जिसका सेल्समैन होता है, वो नहीं बैठा होता है, तो उसके लिए भी एक दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है और आगामी त्यौहार के मौसम में जो है हम और कार्रवाई करेंगे इसमें और ओवर प्राइसिंग की भी नज़र रखेंगे।